सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग एंटायर। क्यों जा रही है तो बता दो इसका। ट्रेन का बेस्ट अपार्टमेंट पहले पहुंचो। चैनल होप सब सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक ऐसे क्रिएचर से मिला देती हूँ, एक ऐसे इंसान से, नहीं नहीं इंसान, एक ऐसे प्राणी से मिला देती हूँ जो पूरा दिन सोता रहता है। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग एंटायर डे एंड ही डजंट गेट बोर्ड ऑफ इट। तो चलिए हम लोग धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं वरना वो उठ जाएगा। उठेगा तो नहीं, चलिए देखिए। कैसे कोई इतना सो सकता है? कैसे कैसे रोमियो, हाउ कैन यू स्लीप? कैसे तुम इतना सो सकते हो? ही इज द गाय। इसको पता चल गया है कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए इसने आंखें खोल ली है। देखिए, मतलब इतना नींद, इतना कोई सो सकता है? देखो रोमियो, हे से हाय, से हाय टू एवरीवन। हाय एवरीवन, हेलो। हम लोग हो चुके हैं बोर अभी, तो राहुल ने अभी टीवी ऑन कर लिया है। भाई कुछ मूवी लगाना, मुझे लगता है अमेजोन, हाँ एरिया 83, सॉरी एरिया 83 बोल रही, 83 लगाना, 83 मूवी अमेजोन पे दे रहा है। बताता हूँ, हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से बोलती है 83 लगा, और अभी जैसे ही व्लॉग रिकॉर्ड करने लगे ओ नहीं, ए एक्चुअली यहाँ पे ना बैंगलोर में एरिया 83 करके एक प्लेस है, ठीक है ना, रिजॉर्ट है। जिन्हें जो बैंगलोर में रहते होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है। सो चुपचाप से अमेज़न प्राइम पे 83 लगा, ये बात से इसकी बात छुपेगी नहीं, ठीक है, इग्नोर। हम लोगों ने अभी पूरा माहौल बना दिया है, लाइट्स ऑफ कर दिए हैं, छोटी छोटी लाइट ऑन कर दी है, एंड मेरा भाई ना आधा आधा इन्फॉर्मेशन देता है। अमेज़न प्राइम पे नहीं है 83 है नेटफ्लिक्स पे। मैंने कब बोला अमेज़न प्राइम? अच्छा मैंने बोला, ठीक है मैंने बोला अमेज़न प्राइम पे नहीं है, किस पे? नेटफ्लिक्स पे। मूवी हम लोगों ने पॉज कर दी है बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग गया था हम लोगों को, एंड सत्य का वेट कर रहे थे क्योंकि सत्य ने बोला था कि वो आज आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि वो कल घर जा रहा है तो मिलेगा, जल्दी आएगा, बट वो अभी तक आया नहीं है। शायद काम कंप्लीट करके आएगा अपना, पर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कितना देर में, मतलब आ गया। ये व्हाई आर यू सो लेट हैं? तुम बोले थे कि तुम आओगे जल्दी। Because I have to give all the details to my company so they can proceed for 3 days. Okay, so पूरा सब करके आए हो। Say hi to my subscribers. Hi. राहुल भूख लग गई है भाई, खाना लगा दे। जितने भी हमारे 4 सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग का खाना हो चुका है, अब हम जाके देखते हैं सत्या कर क्या रहा है, उसको पैकिंग करना है एक्चुअली। लेट्स सी व्हाट इज ही डूइंग। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? पैकिंग नहीं कर रहे हो? अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। रोमियो इज अ गुड बॉय, जब तक इसको बोलो ना खाना नहीं खाने, खाता नहीं। रोमियो गो कर, यस ही इज गो 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 कितना देर में करोगे अभी? कौन सा बैग लेके जा रहे हो? ट्रॉली, छोटा वाला ट्रॉली। अच्छा कितना दिन के लिए जा रहे हो? क्यों जा रहे हो तो बता दो। क्यों दिन का? पहला प्रायोरिटी है मॉम को हॉस्पिटल लेना है, पापा को भी हॉस्पिटल लेके जाना है, देन आफ्टर अपने शादी के लिए वेन्यू देखना है। हाँ तो सत्या का शादी होने वाला है तो उसको वेन्यू भी देखना है। उसका शादी अभी ऑलमोस्ट 1 month में होने वाला है, ये अभी तक गया भी नहीं है वेन्यू देखने के लिए। शूज चप्पल साफ करना। शूज साफ कर रहे हो? देखो कौन सा, बाप रे इतने सारे शूज लेके जाओगे तुम? 3 दिन के लिए 3। वाओ यार तुम्हारे तो ठाट है। और तुम्हारा पैकिंग हो गया है? रुको मैं खोलती हूँ। पैकिंग हो गया है। टॉयलेट भी दिखाई क्या? बंद कर उसको। ओके सॉरी। मैं तब तक देखती हूँ राहुल किधर है। राहुल ओ दरवाजा खुला है, लगता है राहुल रोमे को घूमी घूमी कराने के लिए गया है। पूरा पूरा पैकिंग सब हो चुका है, एंड कल हम लोग को सुबह बहुत जल्दी निकलना है, और
3:30 बजे, क्योंकि 6:30 बजे का फ्लाइट है, यहाँ से जयपुर से पहुँचते भी टाइम लग जाएगा, चेक इन करने में भी टाइम लगेगा। लास्ट टाइम मैं सोनम को पिकअप करने गई थी एंड उसके बाद मैं गई नहीं, अभी मैं जाऊँगी एंड वहाँ पे थोड़ा सा बैठूँगी भी, सोनम के टाइम पे बैठी नहीं थी, देखती हूँ। लो राहुल भी आ गया अभी। हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया था कि हम लोग निकलेंगे 3:30, हम लोग 3:30 ही निकल रहे हैं। यूजुअली हम लोग को कभी कभी ऐसा लेट हो जाता है, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग टाइम पे निकल रहे हैं। सत्या इज़ ऑलमोस्ट रेडी, राहुल नीचे गया है, ही इज़ हियर, हम लोग अभी निकल रहे हैं। एक घंटे में पहुँच जाएंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उतना ट्रैफिक सब तो होता नहीं है। एंड चलिए टाटा जा रहे हैं। हाँ पहन लिया, चलो हम लोग निकल चुके हैं अभी। तो अभी 3:30 बज गया, 6:30 बजे का फ्लाइट है, ये अभी चल रहा लाइफ है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल डलवाना है, इसलिए 15 मिनट पहले निकल रहे हैं प्लान के लिए। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया था कि इतना बजे जाना तो इतना बजे, मैं सो ही नहीं थी, ये लोग सो गए थे, थोड़ा बहुत पावर नैप ले लिया, मैं जब वापस आऊँ तो मुझे दबा के सोना है, सोना नहीं मुझे काम करना है, ऑफिस है मेरा आज, मुझे काम करना पड़ेगा आज। तुम गाड़ी चलाओगे कि राहुल? फाइनली मिल गया। हम लोग को बहुत टाइम के बाद में एक पेट्रोल पंप मिला है, यूजुअली हम लोग शेल जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग चाय पीते तो 2-2 बजे तक चाय पीने जाते तो वो खुला रहता है, आज वो खुला ही नहीं है और हम लोग को पता नहीं था कि वो बंद हो जाता है इस टाइम पे, तो किसी तरीके से हम लोग को ये वाला पेट्रोल पंप मिल गया। इतना घुमा कर हम लोग आए, तो जाना पड़ेगा वरना गाड़ी ना रास्ते में बंद ही हो जाती। कितना देर तक चलती भाई? नो आइडिया, क्या फ़ायदा यार। चलो पहुंच गए, आना भाई पहुंच गए, निकालो ना बैग, निकालो जल्दी। पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, हम लोग अभी जा रहे हैं उसको ड्रॉप करने के लिए आगे। हम लोग टाइम पे, हम लोग कितने बजे पहुंच गए? 4:50 को हम लोग को बहुत टाइम लगा, हम लोग घूम घूम के आए, थोड़ा सा रूट प्रॉब्लम हो गया था। अरे मास्क मास्क, आर यू एक्साइटेड टू मीट योर मॉम, योर पेरेंट्स? हैं क्यों? हाँ सर, एक्साइटमेंट थोड़ी ना होती है। हम लोगों ने थोड़ा लॉन्ग रूट ले लिया था जिसके वजह से यहाँ पे पार्किंग का एरिया नहीं है, तो राहुल गया है गाड़ी पार्किंग करने के लिए, हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, चेक करते कि वेब चेक इन कर लेगा तब तक, एंड थोड़ा सा चाय भी पी लेंगे। यहाँ पे सारे वेब चेक इन मशीन सब आउट ऑफ ऑर्डर है, यहाँ पे सब वेब चेक इन मशीन, तो इसको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, तो अब जाएगा तुरंत, बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगा हुआ है, देखिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगा हुआ है एंड मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है इतने झुंड में ब्लॉगिंग करने में, बिकॉज मैंने कभी ब्लॉगिंग इतना झुंड में किया नहीं है ना, एंड मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि सब लोग अगर बनना है तो कहीं भी कर सकते हो, कैमरा कहीं भी। तो चाय आ गया, तुमको क्या लग रहा है देख के, क्या लग रहा है कैसा होगा चाय? Another best tea. हाँ? Best चाय। चलो ठीक है, मैं पकड़ती हूँ तुम्हारा लगेज, दो।
पत्थर बना के गाइस तो सुबह की चाय आप सबके साथ में चीयर्स अच्छी है चलेगी कोई मैसेज अपने फैमिली वालों के लिए कुछ मैसेज नहीं है अपने लैंग्वेज में बोल दो माँ मैं आ रहा हूँ माँ मैं आ रहा हूँ जोर से बोलो ना माँ मैं आ रहा हूँ सीरियसली मेरा इंतजार करना बेचारी वैसे ही तबीयत खराब है जाते हैं हॉस्पिटल नहीं जाते इट्स ओके कोई नहीं ठीक हो जाएंगे आंटी तुमको देखते ही मैंने सत्या को बहुत मोटिवेट कर दिया अभी खुश होके अब जाएगा वो आई नो आई एम बीइंग वेरी फनी कहाँ पहुँचा राहुल राहुल आ गया है कितना दूर था आई थिंक 100 मीटर 100-200 मीटर ये बोल रहा था पता नहीं कितना दूर है लगता है लास्ट टाइम कहीं और पार किया था ये अभी हम जाएंगे तो तू तो चलेगी ना साथ में पहले लास्ट टाइम सत्या ने कहीं और पार किया था तो वो अभी डरा रहा था राहुल हम लोगों की वो काफ़ी दूर है तो मुझे लगा कि मेरा भाई फिर से एयरपोर्ट पे मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाएगा चेक इन हो जाता है ना प्रॉब्लम हो नहीं होती चेक इन नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या फ़ायदा हुआ फिर क्या चीज़ का ट्रेन का वेस्ट है 5 मिनट पहले पहुँचो बैठो और निकलो बहुत सिक्योरिटी चेक इन होता है ना भाई इसलिए सिक्योरिटी ट्रेन में थोड़ी ये सब होता है क्यों नहीं होता है मशीन से बार पार कर दो हो गया सिक्योरिटी तो सत्य अब चला गया है हम लोग अभी थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे आसपास एटलीस्ट 5 to 10 minutes एंड देन फिर हम लोग निकलेंगे एक्चुअली ना पार्किंग एरिया बहुत दूर है यहाँ से हम लोग यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते मैंने पूछा था भैया से कि भैया आप पार्क कर सकते कितने वो बोले कि नहीं सिर्फ 120 सेकेंड तक यहाँ पे गाड़ी रह सकती है तो राहुल ने कहीं और पार्क किया है पता नहीं कितना दूर है वो कितना देर वॉक करना पड़ेगा भाई यहाँ से 100 मीटर होगा चलो ठीक है अर्ली मॉर्निंग में वॉकिंग हो गया वॉकिंग कल हम लोग जिम नहीं गए थे तो आज वॉकिंग हो गया मैनेज हो गया बहुत लाइट आ रहा है इधर से हाँ देख रहे हो फिट बंदा मैंने मेहनत करवाया मैंने बॉडी बनवाने में हेल्प किया इसकी हाँ देखो अब यहीं से जिम चला जाएगा डायरेक्ट पूरा आउटफिट वही पहना हुआ है घर जाने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कहीं बाहर ब्रेकफास्ट कर ले देखते पहुंचते पहुंचते कितना बच जाएगा आई थिंक और 40 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेगा और 40 मिनट दिखा रहा है हम लोग घर पहुंच गए जैसे ही हम लोग घर आए हम लोग सो गए दोनों भाई बहन और अभी जाकर उठे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है कहीं पे भी गाड़ी नहीं रोका हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं हम लोग सोचे थे ना कि ब्रेकफास्ट करेंगे तो नहीं हो पाया बहुत नींद आ रहा था आकर सो गए सो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय